अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, फिर आपका भाई एक नई लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका है और लोकेशन इतनी खतरनाक है कि 10 बार सोचना पड़ा मुझे भी इस लोकेशन पे आने से पहले, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ के जो आसपास के गाँवों के अंदर इस लोकेशन की जो बात हो रखी है वो इतनी हॉन्टेड और इतनी खतरनाक बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि यहाँ आने के पहले जो मेरे कैमरे के ऊपर है आज किशन जी, उन्होंने भी मतलब एक बार का तो ये बोल दिया कि जितेंद्र भैया इस लोकेशन पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले ये जो दीवार दिख रही है दोस्तों, ये जंप करके आना पड़ा हमारे को यहाँ पे। और लोकेशन की कहानी मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, लोकेशन ऐसी जगह है कि यहाँ पे पास में एक हाईवे है जो केंद्र सरकार से एक नया हाईवे बना है, बिल्कुल यहाँ पास में ही है बिल्कुल। और यहाँ की जो कहानी है वो मैं जल्द से जल्दी ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ये कहानी है दो बहनों की, दो बहनें जिनके बचपन के अंदर ही अपने माँ बाप उनको छोड़ के चल बसे। अब दो बहन जिसका कोई भाई नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी ना तो देखा था ना कुछ करा था, केवल वो पढ़ाई करती थी और उस समय उसके सर से माँ और बाप का साया उठ गया। अब आप बताओ दोस्तों, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे चलाया होगा। तो दोस्तों, कैसे न कैसे इधर उधर मजदूरी कर करके उन्होंने एक बड़ी हुई वो पढ़ाई पूरी करी उन्होंने। फिर उसके बाद में उनके एक दिमाग में बात आई कि जैसे आसपास वाले रहते हैं तो उसको जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनको सजेस्ट करा कि आपको ये करना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस चालू करा, अपना बिजनेस था घोटा पत्ती का, जो कि बिना पैसा का तो हो ही नहीं सकता था, मगर पढ़ा लिखा होने के कारण उन्होंने एक लोन लिया और लोन बिल्कुल सेंक्शन पास हो गया उनका लोन, पर्सनल लोन उठाया था उन्होंने और एक छोटा सा कारोबार चालू करा जहाँ पर वो खुद भी रहने लग गई थी और वहीं पर उनका कारोबार था। तो जो गोटा पत्ती होती है, जो औरतें होती है, उनको काम मिलने लगा, काम चलने लगा, अच्छा काम चलने लगा, बराबर उनकी लोन की किस्तें भी चुकने लग गई। मगर क्या हुआ, इस पीरियड के अंदर जो काम मिलता था जैसे किसी को, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक शख्स ऐसा इंसान था कि वो खुद की वाइफ का जो काम था वो देने के लिए इनकी दोनों बहनों के पास आता था वो हमेशा। उसकी गंदी नज़र दोनों बहनों के ऊपर थी, काफ़ी समय तक उसकी गंदी नज़र पड़ती रही। मन ही मन के अंदर वो इतनी मतलब गलत भावना से उनको देखता था हमेशा, मगर उन दोनों बहनों को पता नहीं पड़ा कि इसकी मेरे ऊपर गंदी नज़र है। अब एक दिन क्या हुआ कि जो बड़ी बहन थी, एक समय किसी काम से वो पास का कोई गाँव था वहाँ गई हुई थी, तो उस इंसान को मौका मिल गया वहाँ आने का। उसने मौका देखा और एक दिन रात को आया वो, तो जान पहचान तो थी, जैसे गेट खुलवाया तो आया अंदर कि ये काम था या मैं अभी रात को देने आया हूँ आपको। तो कहा भी था कि रात को आने की ज़रूरत क्या है, आप सवेरे भी आ सकते थे, मगर थोड़ी जान पहचान होने के कारण उसने अपने यहाँ पे अंदर एंट्री दे दी। अब साहब, उसकी नज़र इतनी गंदी थी उसके ऊपर कि उसकी जो मनसा थी इतनी गंदी थी, उसने वो गलत भावना से उसने बात करनी शुरू करी। जब उसने इग्नोर करा, मतलब जो बात हो रही थी उसकी क्या बताऊँ आपको, मैं बोलने भी नहीं आ रहा मेरे से अभी, उसने कोशिश करी कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए,
मगर वो नहीं निकला और छीना झपटी हुई बहुत ज़बरदस्त। उस छीना झपटी के अंदर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, वो छीना झपटी के अंदर उस बहन की मौत हो गई। भैया आवाज़ आ रही है, उसके बाद में उसके किशन जी आवाज महसूस हुई, आवाज देखो वो देखो भैया कहते हैं कि भैया क्या है, कहते हैं कि उसकी मौत होने के बाद में वो बहन जो बड़ी थी उसके ऊपर बहुत इतनी गजब मतलब पहाड़ टूट गया उसके पास। उसके बाद में उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठप हो गया और ये जगह वीरान हो चुकी है। वो उसकी आत्मा आज भी इस जगह भटकती है और किसी को वो दिखती है, उसकी आवाज़ें आती है, वो होने का एहसास कराती है आज भी। तो आज आपका भाई इसी लोकेशन पे पहुंच चुका है और इस जगह के बारे में जो सुना है मैं खुद अपनी देखना चाहता हूँ यार, कुछ ना कुछ तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ये जगह कैसी है। तो चलते किशन जी लोकेशन पे, जल्दी आपका टाइम खराब नहीं करूँगा दोस्तों। हाँ भैया चलो, लोकेशन बता रहा हूँ, यहीं पे उनका स्टाफ काम करता था और यहीं पे उनका रेजिडेंस था, जो कि मैं आपको अभी सब चीज़ दिखाऊंगा कि वो कहाँ रहते थे दोनों बहनें और कहाँ पे उनका काम चलता था, वर्क चलता था। किशन जी आ जाओ, उधर तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो जगह मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पे उन दोनों बहनों का काम चलता था। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक पुल भी है, यहाँ पे सारी महिला बैठ के दिन में काम भी करती थी, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये हॉन्टेड जगह बताते हैं, मगर यहाँ पे क्या चीज़ है मुझे भी अभी तक पता नहीं है और मैं भी देखना चाहता हूँ आज। तो किशन जी को भी कहूँगा देखो कि देखो आए हो तो थोड़ा ध्यान से रहना किशन जी, ठीक है ना? अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे तो मुझे बोल देना। हाँ भैया, क्योंकि मेरा क्या ध्यान सामने रहता है हमेशा, कुछ एक्टिविटी अगर कुछ भी आपको ऐसी लगे प्लीज मुझे जरूर बता दो। हाँ भैया, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ के जो छप्पर थे वो भी हट चुके हैं यहाँ से बिल्कुल। आवाज़ दो, आवाज़ दो।
कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ भैया। हल्की सी जैसे कोई धीरे सी आवाज पत्ते हिल रहे हैं भैया, है ना? नहीं, हल्की सी जैसे कोई आवाज आई है यहाँ पे। अंदर है कुछ ना कुछ भैया, है ना? क्या है, ये उनके रूम थे। भैया आप नीचे रहना, अजीब सा लग रहा है यार भैया। आप नीचे रहना एक मिनट। हाँ भैया। ये एक मिनट इधर देखना, शायद ये वही रूम है जिसमें ये रहते थे, जो दोनों बहनें रहती थी ना। ये उधर भी गेट है एक, है ना, इस साइड में भी। भैया ध्यान से, उधर चलो आप। उधर से मुझे कुछ आवाज आई हल्की सी, जैसे कोई औरत है ना, वैसी आवाज आई मुझे। इधर आओ, इधर आओ, फटाफट फटाफट आओ, फटाफट आओ, इधर इस साइड में आई आवाज। सही बताऊँ, मुझे ऐसे लगी जैसे कोई ना किसी से बात कर रहा हो यहाँ पे, कोई लेडीज बात कर रही हो जैसे किसी से। शायद ये वही जगह है जहाँ पे वो बैठ के काम करती थी महिलाएं, मगर यार किशन जी मुझे आवाज आई थी अभी जस्ट यहाँ पे। हाँ मुझे भी आई थी भैया, है ना? हाँ, जैसे कोई बात कर रहा हो, बात कर रहा हो हल्की हल्की आवाज में। इधर पीछे हो, पीछे हो। दोस्तों मुझे ये लगता है कि जो दो होल थे जहाँ पे जो वर्कर काम करती थी महिला वर्कर, ये वही जगह है। बाकी एक काम करूँ, मुझे जब मैं उधर घुसा था ना, तब मेरी मतलब थोड़ी सी फीलिंग अलग हो गई थी, मेरी अजीब सा फील होने लग गया था मुझे। किशन जी एक बार इधर हो, यार भैया इधर से आवाज आ रही है। लगता मुझे भी लग रहा है कुछ अजीब सी आवाज जरूर हुई है, मुझे भी महसूस। एक बार इधर हो भैया, मेरे को भी डर लग रहा है यार भैया। वो इधर रहते ना, तो ऊपर रूम है। हाँ। मगर इधर का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ, मैंने आगे देखी थी ना, तो वहाँ पे क्या सीढ़ियाँ टूटी भी नजर आ रही है मेरे को, ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। देखते इधर आओ,
भैया यार, भैया हल्की सी आवाज जरूर आई थी मगर यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी अभी तक। तो हाँ भैया भैया पीछे से आवाज आ रही है भैया, अजीब सी आवाज मुझे भी लग रही है। हाँ भैया पीछे चलो वापस, पीछे चलो, पीछे इधर से आवाज आ रही है वापस। भैया ऊपर से आवाज आ रही है, उधर ऊपर से। ओ भैया सामने देखो, सामने देखो, जल्दी पास लो, जल्दी पास लो, रोशनी बढ़ाओ, रोशनी बढ़ाओ, रोशनी करो, रोशनी करो थोड़ी। देखो कुछ है, देखो देखो भैया है ना, देखो वो देखो देखो साफ क्लियर दिख रहा है। बाप रे, देखो ये वही है, देखो मैंने कहा था ना, देखो ऊपर चले अपन, मगर मुझे डर लग रहा है यार। डरो मत, मैं हूं ना यार, मैं हूं, एक सेकंड में बात करने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, एक मिनट, दूजो मत, आप दूजो मत, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। क्या आप मेरे से बात कर सकते हो? आप वही हो? खौफ रो कितनी तेज आवाज निकल रही है। भैया आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो यहाँ पे? भैया 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 जल्दी निकलो यहाँ से। भैया इधर देखो भैया, सही में है यार, भैया सही में थी बिल्कुल, आपने देखा? हाँ भैया, भैया बिल्कुल रियल है ये चीज़ बिल्कुल। एक बात बताऊँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है निकलने का एक सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ से, क्योंकि जब से ये जगह हॉन्टेड हुई है, जब से ये चीज़ दिखती है यहाँ पे, वो सबको अपना शिकार समझती है। और अगर मैं शायद अगर ऊपर चला जाता मैं, तो शायद हो सकता था कि कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी आज, क्योंकि बहुत से हादसे हो चुके हैं इस जगह। जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, हालांकि कोशिश मैं भी करता अगर ये चीज़ नहीं दिखती तो, मैंने सोच रखा था कि मैं ऊपर चढ़ूं, मगर क्या मैंने जब देखा था यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश करता आपके लिए, मगर उससे पहले हमारे को वो चीज़ दिख चुकी थी। तो दोस्तों मेरा एक ही मकसद था इस जगह को मैं विज़िट करूं, और यहाँ पे कुछ ऐसा है या नहीं, जगह ज़्यादा दूर नहीं आया हूं दोस्तों, अभी केवल ये दीवार कूद के आया हूं मैं अभी। और देखो देखो आवाज़ आ रही है अभी भी किशन जी, देखो अभी भी उसकी आवाज आ रही है, देखो उसी प्ले वही उन्हीं कमरों के अंदर, देखो एक बार दिख रहा क्या, देख रहा एक बार वापस दिख रहा क्या कुछ, देखो चीज गायब हो चुकी है वहां से, नहीं है, नहीं है कोई भी नहीं है। दोस्तों थोड़ी लाइट कम कर दो, दोस्तों ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि देखो सब सब रीजन इसका आप जानते हो, फैमिली है सबके, सब है, जगह को विजिट करना था, आपको मकसद ये था कि कोई चीज़ है या नहीं है वो दिखाना था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं इस लोकेशन से अगर निकल जाऊँ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कैमरे के ऊपर मेरे किशन जी जी काफ़ी डर चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो यहीं पे इसी लोकेशन पे एक बात कहता हूँ कि मैंने एक वादा करा था वो हर वीडियो के लिए, तो सबसे प्यारा जो मेरे पास में वीडियो के अंदर कमेंट आया था वो ध्रुव नाम है उनका,
आगे मुझको सरनेम ध्यान नहीं है, बस मैं ये कह सकता हूँ कि ध्रुव आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को इतना प्यारा कमेंट करा आपने। इसी के साथ में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।